अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ताला भी आ जाए भैया, ये कब से ताला लगा इनका? आशीष गोयल, उपराजू उपराजकुमार डाबी, पुत्र ठाकुर सिंह, निवासी 13C आदर्श नगर, पुलिस लाइन, थाना कोतवाली, जिला देवास, मध्य प्रदेश, कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर, मुकदमा अपराध संख्या 1504 2020, धारा 420, 467, 468, 471, 120B बादावी में अभियुक्त है, जिसके खिलाफ पूर्व में एक NPW जारी हुआ, माननीय न्यायालय द्वारा जारी कराया गया था, जिसमें हाजिर नहीं हुआ। उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ 82 CRPC की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर यह एक माह के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता तो उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई 83 CRPC के तहत की जाएगी। धन्यवाद। आप लोग नीचे आ जाओ, दोस्त लोग, तो हम आपको सूचना बता दें, नीचे आ जाए। आज यूपी की पुलिस यहाँ पे आदर्श नगर क्षेत्र में ही थी, किस मामले को लेकर यहाँ पे आज पहुँची है और यहाँ पे डोंडी बिटवाई गई है? ये 1882 के तहत मुनादी है। इसमें एक अभियुक्त है आशीष गोयल उर्फ राजू उर्फ राजकुमार डाबी, पुत्र ठाकुर सिंह डाबी, निवासी 13C आदर्श नगर देवास का है। ये मुकदमा संख्या 1504/20, धारा 420, 467, 468, 471, 120B IPC थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर के मुकदमे में वांछित है तथा नामजद अभियुक्त है, जिसकी माननीय न्यायालय द्वारा काफ़ी वारंट जारी किए गए कई बार, तो ये पर नहीं मिले हैं, फरार चल रहे हैं। उसके बाद इसकी धारा 82 के तहत कार्रवाई आज अमल में आई। सर, क्या मामला था जिसमें आप यहाँ पर आज पहुँचे थे, कौन सा फ्रॉड करा था इन्होंने? ये प्रॉपर्टी से संबंधित है, जो इन्होंने कूट रचना करके प्रॉपर्टी सेल की है। आशीष गोयल नाम से इन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल की, जबकि इनका नाम राजकुमार डाली है, जिसकी ये स्वामी नहीं। सर, आपने यहाँ पे सूचना भी दे दी है, आस पड़ोस में सूचना दी है, डोंडे भी पिटवाई है और अलाउंस भी कराया गया है यहाँ पे आपके द्वारा अभी। जी, तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये अगर इसको विधिक प्रक्रिया के तहत, अभी इनको 30 दिन का समय, ये अभी भी हाजिर होते हैं तो इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं होते हैं तो विधिक प्रक्रिया जो हम अपनी अपनाएंगे, जो धारा 83 के तहत की है। सर, आपका नाम? मेरा नाम उपनिरीक्षक सोहेल राज है, थाना कोतवाली, जनपद कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।